सालों बाद इतनी खूबसूरत और इमोशनल लव स्टोरी देखने को मिली है। इसकी कहानी, प्लॉट, निर्देशन, बैकग्राउंड म्यूजिक सभी टॉप लेवल पर हैं। मुख्य जोड़ी के साथ अभिनय किसी का भी दिल चुरा सकते हैं। बिना किसी अश्लीलता के कैसे एक प्रेम कहानी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, सभी निर्देशकों को इस फिल्म से सीखनी चाहिए। मूवी की स्टोरी में एक अनाथ सैनिक लेफ्टिनेंट जिसका नाम राम रहता है, उसका जीवन उस समय बदल जाता है जब उसे सीता नाम की लड़की का एक लेटर मिलता है। वह उससे मिलता है और उनके बीच प्यार हो जाता है। जब वह कश्मीर में वापस अपने कैंप में आता है तो वह सीता को एक पत्र भेजता है जो किसी कारण उस तक नहीं पहुंचता है। दूसरी तरफ आफरीन नाम की लड़की है जो लंदन के एक विश्वविद्यालय में पाकिस्तान की छात्र अध्यक्ष है। वह अपने दादा की इच्छा पर सीता माँ लक्ष्मी को एक लेटर देने का काम करती है। हालांकि उसे यह जॉब पसंद नहीं है, वह केवल अपने दादा की संपत्ति में अपना हिस्सा पाने के लिए ऐसा करने के लिए एग्री करती है। वह लेटर वही होता है जो लेफ्टिनेंट राम ने अपने कैंप पहुंचने पर सीता को लिखा था। सीतारमन देखते समय वीर ज्यादा दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वह उससे प्रेरित था या उस क्लासिक मूवी के किसी भी एक पहलू की नकल कर रहा था, बल्कि इसलिए कि यह उसी तरह दिल को छू लेने वाला है। हम शायद ही भारत पाकिस्तान पर बिना दुश्मनी की फिल्में देखते हैं। वीर ज्यादा उनमें से एक थी और अब सीतारमन भी। इस मूवी में एक्टर दुलकर एज ए राम एंड मृणाल एज ए सीता ने बेहतरीन अभिनय किया है जो देखने लायक है। यह मूवी आपको खूबसूरती से बनाई गई पीरियोडिक लव स्टोरी के भीतर एक सस्पेंस फिल्म का रोमांच देती है। यदि आपको लव स्टोरी देखना पसंद है तो यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी।